फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। तो आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 8, जो कि है एंड्स एंड मींस, जिसका मतलब होता है ध्येय और साधन। तो इसको लिखा है रामेंद्र कुमार ने। ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आपको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और एक बार में आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने सुन लिया तो। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ। स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे जो अपने अनुयायियों के साथ गंगा नदी के कछार के गांवों के में भ्रमण करते रहते थे। वे गांव-गांव घूमकर भिक्षा एकत्रित करते थे। दिन के समय वे दान एकत्रित करते थे और रात के समय किसी उदार तथा परोपकारी आतिथ्य के सत्कार का आनंद लेते या फिर किसी वृक्ष के नीचे शरण लेते थे। एक दिन स्वामी अरवासु एक बरगद के पेड़ के नीचे, जो उनके कुछ अनुयायी थे जो उनमें बिलीव करते थे, उनके कुछ लोग थे, वो उन लोगों का कोई ग्रुप था जिनको वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। वे एक अच्छे वक्ता थे और उनमें ये सामर्थ्य था कि वे अपने श्रोताओं को बहुत घंटों तक, मतलब वो बहुत अच्छे बोलते थे तो लोग क्या करते थे, इतने अच्छे बोलते थे कि लोग उनको घंटों तक सुनते रह सकते थे। तो वे गीता और सामान्य आदमी के लिए उसके जो उसके क्या यूज है ना, सामान्य आदमी के लिए क्या गीता के यूज है उनको वो बता रहे थे। तो प्रवचन के बाद में क्या हुआ, सभी लोग जो है वो ऋषि के बुद्धिमानी पूर्ण शब्दों पर चर्चा करते हुए वहां से चले गए। केवल एक आदमी था जो पीछे रह गया, वह था बिरजू। उसको वो इस आशा में वहां खड़ा था कि जब लोग वहां से जा रहे होंगे, ये क्या था, एक चोर, पॉकेट चोर था, तो पॉकेट मारते हैं ना जो लोग, पिक पॉकेटर था। तो ये क्या करता था, ये वहाँ पे इस उम्मीद में खड़ा था कि जब लोग जाएंगे वहाँ से तो वो क्या करेगा कि एक दो लोगों की पॉकेट मार लेगा। तो वह क्या कर रहा था उस भीड़ में, लोग वो उन लोगों को ध्यान से देख रहा था जो उनको चेहरे से लग रहा था कि वो क्या है, बहुत पैसे वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहा और धीरे धीरे स्वामी जी जो कह रहे थे उसका ध्यान उसकी तरफ भी चला गया। स्वामी जी इतनी सरल भाषा में बोल रहे थे कि उसने कि उसके समान गंवार और अशिक्षित व्यक्ति भी उसको समझ सकता था। जैसे जैसे वह ध्यान से सुनता गया, वह स्वामी जी के शब्दों में डूबता हो चला गया। जब सब लोग जा चुके थे, बिरजू बहुत हिचकता हुआ हाथ जोड़ के मनीषी के पास पहुंचा, स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी, मैं बिरजू हूँ, एक छोटा मोटा चोर। बिरजू, तुम गलत व्यक्ति के पास आ गए हो। मेरे पास तुम्हारे देने के लिए ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, सद्भावना पूर्वक मुस्कराते हुए स्वामी जी ने कहा। उनके जो अनुयायी थे वो हंस रहे थे। स्वामी, आपके शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है, एकाएक मेरा जीवन मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझे अनुभव हुआ कि मैंने पूरी तरह से अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। मैंने बदलने का निश्चय कर लिया है, मैं ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, बिरजू ने कहा। यह तो बहुत अच्छा है, अपनी गलती स्वीकार करना कभी देरी से किया गया कार्य नहीं होता। स्वामी ने अपनी अनुयायियों की ओर देखते हुए जिन्होंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, स्वामी मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ, जहाँ भी आप जाएं मैं आपके साथ जाना चलना चाहता हूँ, बिरजू ने कहा। तो स्वामी कहते, प्रिय बिरजू, मैं नहीं समझता कि तुमने कभी यह अच्छी तरह से सोचा है कि तपस्वियों का जीवन कितना कठिन होता है। यह आसान दिखाई दे सकता है किंतु इसके लिए समर्पित भावना और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, बिरजू कहता है। कृपया स्वामी मुझे एक अवसर दीजिए, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे पास अपने पुराने जीवन में जाने का या अपने जीवन को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तब स्वामी जी हैं वो बहुत सोचते हैं और एक कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है बिरजू, आज से तुम मेरे अनुयायियों में से एक हो, लेकिन तुम्हें काफ़ी सतर्क रहना होगा। अगर कभी भी कुछ बड़ा कार्य करने का कोई चिन्ह भी दिखाई दिया तो तुम्हें उसी समय बाहर कर दिया जाएगा, बिरजू ने विनम्रता से सिर हिलाया और फिर वही मनीषी के सामने झुका और उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया।
दूसरे दिन से बिरजू अनुयायियों के समूह का एक सदस्य हो गया। उसने अपना सिर मुंडवाया, केसरिया वस्त्र धारण किए और घुमक्कड़ योगी का जीवन शुरू किया। स्वामी अरवासु बिरजू से बहुत प्रसन्न थे, जिससे अब बिरजानंद के नाम से पुकारा जाता था। बिरजू को अब क्या बोलते हैं? बिरजानंद। जहाँ कहीं भी मनीषी प्रवचन करते थे, बिरजू का उदाहरण देते कि मेरे शब्दों को सुनकर अपराधी भी सन्यासी बन गया। वे गर्व के साथ कहते थे, एक रात मनीषी और उसके अनुयायी लोहबन गांव के ब्रह्माचल में पहुंचे। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। ठंड बहुत थी। क्या कोई गांव में जाकर लकड़ी ला सकता है जिससे हम लोग अपने को गर्म रख सकें? स्वामी अरवासु ने पूछा। बिरजू ने अपनी इच्छा से वहाँ जाना स्वीकार किया और स्वामी के आदेश के पालनार्थ तुरंत रवाना हो गया। बिल्कुल अंधेरा था, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। बिरजू दरवाजे जाकर देख रहा था कि शायद कोई रोशनी या हलचल कहीं पर दिख गई। एकदम शांति थी, ऐसा लग रहा था कि सभी लोग सो गए। इतनी रात को गांव वालों की शांति भंग करना नहीं चाहता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसको एक परिचित सी आवाज़ सुनाई दी। वह गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी से आती हुई लग रही थी। लग रहा था मानो कोई कुछ तल रहा हो। वह तुरंत उस झोपड़ी की ओर गया। उसने एक छोटी सी खिड़की थी। बिरजू ने अपने पंजों पर खड़े होकर अंदर झाँका, यानी कि वो खिड़की थोड़ी ऊपर थी तो वहाँ पर झाँक के उसने देखा। पैर ऊपर करके एक जवान महिला फटी पुरानी साड़ी पहने चोली के सामने बैठी थी। वह तवा आग पर था। दो बच्चे, एक 5 साल की लड़की और एक 4 साल का लड़का एक कोने में सिमट कर बैठे थे। वे बहुत दुबले थे, उनकी हड्डियाँ उनके फटे हुए कपड़ों में से झाँक रही थी। जब बिरजू देख रहा था, उसे महिला कुछ विचित्र सा करती दिखाई दी। थोड़ी थोड़ी देर में वह तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाल रही थी। वह अपने बच्चों से फुसफुसाकर कुछ बात भी कर रही थी। बिरजू की समझ में नहीं आया कि क्या कर रही है। जब तक बिरजू देखता रहा, वह उसे दोहराती रही। बिरजू इससे क्या हुआ? बिरजू की जिज्ञासा बढ़ गई। दरवाजे पर पहुँच के उसने कहा, देवी, मैं बिरजानंद हूँ, स्वामी अरवासु का शिष्य। जवान महिला एक केसरिया वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह खड़ी हुई और बिरजू के पास जाकर उसके पैर छुए। महाराज, मेरे बड़े भाग्य जो आप पधारे, लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समय से तुम्हें देख रहा था। तुम केवल तवे पे पानी के छींटे छिड़क रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रही थी? बिरजानंद ने पूछा। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। सारी शाम मेरे बच्चे खाने के लिए चीख रहे थे। तवे पे पानी छिड़क कर मैं उनके मन में ये धारणा पैदा कर रही थी कि खाना बन रहा है। तवे पर पानी से उत्पन्न होने वाली आवाज़ उन्हें इस भ्रम में रखी थी कि वह कुछ चीज़ जो है वो तली जा रही है। बेचारे अभागे, वे इतने अबोध हैं कि वास्तविकता और छल में अंतर नहीं समझ सके। देखिए, इस आशा में कि खाना बन रहा है, वे सो गए। बिरजू ने दोनों बच्चों को पिल्लों के समान एक साथ सिमटते हुए बैठे देखा। उसकी आंखें डबडबा उठी। बिना एक शब्द बोले वह झोपड़ी से बाहर चला गया। उसने गांव की गलियों में खोजना शुरू किया और अंत में जिसको खोज रहा था वह मिल गई, पंसारी की दुकान। वह सामने के दरवाजे के बड़े से ताले को कुछ ही मिनट में खोलने में सफल हो गया। मुझे लगता है मैं अपना हुनर अभी भी भूला नहीं हूँ, वह बुदबुदाया और अंदर चला गया। 10 मिनट के बाद दो थैलों के साथ वह बाहर निकला। वह झोपड़ी में गया और थैलों को महिला के पैरों में रख दिया। यह खाद्य सामग्री तुम्हारे यहाँ कम से कम 3 महीने चलेगी, उसने कहा। किसने? बिरजानंद ने। और इसके पहले ही महिला कुछ कह पाती वह बाहर चला गया। जब वह लौटा तो उसने पाया कि स्वामी अरवासु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? लकड़ी कहाँ है? बिरजू ने पूरी कहानी सुना दी। क्या, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, मनीषी उछल पड़े। उसका चेहरा लाल हो गया। तुमने चोरी की? स्वामी अरवासु का अनुयायी एक चोर, लोग क्या कहेंगे? लेकिन स्वामी, वो गरीब बच्चे। बकवास बंद करो, तुम झूठा बहाना बनाकर अपने कार्यों को उचित सिद्ध नहीं कर सकते। एक पाप है, देह साधन को उचित नहीं ठहरा सकता। यह तुम्हारे मेरे साथ अंतिम दिन है। कल सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ।
मैं फिर कभी तुम्हारा पापी चेहरा नहीं देखना चाहता। दूसरे दिन सुबह बिरजू ने अपनी आँख खोली तो आकाश में एक चकाचून कर देने वाला आकाश प्रकाश दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा। मनीषी और उसके अनुयायी भी उठ रहे थे। अपनी आंखें मलते एक विशाल चिड़िया के आकार की वस्तु आकाश से उतर रही थी। यह तो पुष्पक विमान है, किसी ने ऊंचे स्वर में कहा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं सोचता हूँ कि भगवान इंद्र ने मुझे स्वर्ग से ले जाने के लिए अपने दूत को भेजा है, स्वामी अरवासु ने कहा। उनके अनुयायी उनके सामने दंडवत हो गए। उन्होंने आशीर्वाद हेतु अपना हाथ ऊपर उठाया। आज मेरे निर्वाण का अवसर आ गया है, अंततः मैं इस निरंतर चलने वाले जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अपने सारे जीवन में मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। मैंने एक वैरागी का जीवन जिया है और कभी पाप नहीं किया, और यह मेरे सतत सत्कार्यों का पुरस्कार है। मेरे अच्छे वस्त्रों वाला नौजवान एक अच्छे वस्त्रों वाला नौजवान उस देवीय वाहन से उतरा। मैं ब्रह्मदत्त हूँ, मैं भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया हूँ, उसने कहा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अपने अनुयायी से यही कह रहा था। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मनीषी आगे बढ़े। मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, ब्रह्मदत्त ने चारों ओर देखते हुए कहा। मुझे लेने नहीं आए हैं, स्वामी अरवासु ने हकलाते हुए कहा। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने सही नहीं सुना। नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ, ब्रह्मदत्त ने बिरजू जो एक कोने में खड़ा था की ओर इशारा करते हुए कहा। बिरजू, मनीषी को अपनी और आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। वो चोर? हाँ, कल रात के उसके सद्ध कार्य ने तुम्हारे सारे धार्मिक कार्यों को मात दे दी है। यदि ध्येय श्रेष्ठ नहीं है तो साधन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। हालांकि बिरजू के साधन उचित नहीं थे, किंतु उसका ध्येय नेक था। जब बिरजू ब्रह्मदत्त के पीछे पुष्पक विमान में चढ़ रहा था, तब मनीषी और उनके अनुयायी अवाक खड़े थे। तो इस कहानी में बेसिकली ये कहा गया है कि आपका साधन गलत हो सकता है, हालांकि ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका जो ध्येय है यानी कि जो आपका उद्देश्य है वो नेक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ आपके साथ से विदा लेती हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताऊँगी। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।